भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू सो मच कि आप मुझे फूफो बनाने जा रही हैं। और मुझे दादी। रानी जी बेगम साहिबा। जूस ले आओ। जी बेगम साहब। देखो बेटा, अब तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने सबिया को भी फोन करके मुबारकबाद दे दी है, और बेटा मैंने उनको ज्वेलरी वाली बात नहीं बताई, प्लीज तुम भी मत बताना। बताने वाली कोई बात भी नहीं थी मामा, घर की बात थी। मैंने ही रख दी थी, मेरी गलती थी, क्यों बताती आप? शाबाश, अब तुमने अपना खास ख्याल रखना है। हुँ? खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने का, और कोई टेंशन नहीं लेनी। हूँ, शाबाश। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं, सिखाया नहीं आपको किसी ने? कानों में एयरबड्स लगे हों तो आवाज़ वैसे भी नहीं आती है। कहिए कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। करें। ये क्या बदतमीजी है भाभी? ये बदतमीजी है? मैंने तो सिर्फ दराज बंद की है, इसमें से कुछ निकाला तो नहीं। अच्छा, इस बात का मतलब? इस बात का मतलब तो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुमने खुद ही मेरी अलमारी से सेट निकाला था ना, और फिर जाकर रख भी दिया। यस, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। क्यों सेरिश, कि तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुम्हें कुछ अंदाजा है? किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा भाभी। सरिश, तुम्हारे मुझसे इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन में मैं बदनाम हो रही हूँ, मेरा किरदार खराब हो रहा है, सबको लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम अभी मामा पापा को जाके बताओगी कि वो सेट तुमने निकाला था। तुम उनको ये भी कह सकती हो कि तुमने मजाक में निकाला था। मजाक किया था? बिल्कुल भी नहीं भाभी, मैंने तो आपको इन्फॉर्म किया था कि 24 घंटे के अंदर मम्मी आपसे चाबियां ले लेंगी, तो कुछ तो करना था ना। तो फिर ठीक है, मैं खुद जाकर मामा पापा को बता देती हूँ कि वो सेट तुमने निकाला था। जाएं, शौक से जाएं, बल्कि अगर कोई आपकी बात पे यकीन कर ले तो मुझे बता दीजिएगा। जाए, बेस्ट ऑफ लक। सरिश, तुम ठीक नहीं कर रही हो। भाभी, जो हो गया सो हो गया ना, छोड़ दे रोना, आइंदा के बाद ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन में वैसे भी आपके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है, दोबारा हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ गया तो